अरे ये गाड़ी ऐसे क्या खड़ी कर रखी है, क्या हो गया भैया इसमें? भाई हुआ कुछ नहीं है यार, वीडियो शूट करने के लिए आया था तो सोचा एस्थेटिक के हिसाब से। कैसा वीडियो शूट भाई? मेरी गाड़ी में क्या क्या किया हुआ है ये सारी चीजें बताने के लिए वीडियो बना रहा था, जिसके लिए मैंने हुड भी खोल के रखा है। तो मैं ही बना दूं भाई वीडियो फिर? अरे बिल्कुल भाई, मोस्ट वेलकम। आओ तुम्हें बताते हैं हमने क्या क्या करा है। बताओ यार बताओ, शुरुआत यहीं से करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर इंजन। कोल्ड एयर इनटेक फ्रॉम फोर्ज, आप देख सकते हो स्टॉक आता था यहाँ पे, एक डब्बा लगा रहता था उसको हटा दिया है, कोल्ड एयर इनटेक लगा दिया है। गैरेट बिगर इंटरकूलर विच मस्ट बी विजिबल फ्रॉम समवेयर हियर आई गेस। वैसे भी आप देख सकते हो, इसको मॉड तो नहीं कहूँगा बट मेरी पसंद थी यार, तो 0005 मेरा लेना बनता है। देखो अभी ना थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है अंदर से, बट थोड़ा इसको एस्थेटिक लुक देने के लिए मैंने कोशिश करी थी इटली का झंडा बनानी, बट ग्रीन मेरे पास यही था तो मैंने यही लगा दिया है। बाकी आप ये देख लो, सब वूफर लगाए, आप समझ गए होगे इससे। बहुत माइल्ड सा सिस्टम रखा है क्योंकि पिताजी भी ये गाड़ी चलाते हैं। और जो इसके अलावा हमने इंजन में किया है, दैट इज़ भाई ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है पता है इसका इंजन, तो अभी हाथ रख, जबकि यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा, हाथ रखते फिर भी बहुत गर्म हो गया था। तो जो हमने मेन चीज़ें इसके अंदर चेंज करी है, दैट इज़ स्पार्क प्लग्स। प्लग्स हैव बीन चेंज फ्रॉम अल्फा रोमियो अगेन, अल्फा 4C के हमने इसमें प्लग्स चेंज करके डाले हैं। और जो इग्निशन कॉइल्स हैं, दैट इज़ फ्रॉम जीप कंपस, मोपार की कॉइल्स डली हुई है इस कार पे। बाकी जिनको नहीं पता, ये गाड़ी मेरी नॉर्मल अर्बन क्रॉस नहीं है, दिस इज़ एन अर्बन क्रॉस अबार्ड, विच इज़ समथिंग टू साइट वेरी रेयरली। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं लाइट वाले मॉड्स में, जिसके लिए मुझे हेल्प करी थी आशीष भाई ने, हु ओन्स द गैराज इन गुड़गांव। तो इफ एनीवन इन गुड़गांव वांट्स सम ट्वीक्स ऑन द फिएट, डेफिनेटली गो टू दिस गाय, उनका एड्रेस नंबर सब कुछ नीचे डाल दूंगा। तो अभी हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, मैं छोटी छोटी चीजें जो हमने इस कार के अंदर करी है वो दिखाऊंगा। शुरुआत कहाँ से करूँ समझ नहीं आ रहा है, चलो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से डोर लॉक की। तो आई हैव इंस्टॉल्ड दिस स्मॉल बटन विच लुक्स लाइक कंपनी फिटमेंट, इसका काम है डोर अनलॉक करना, लॉक करना। तो बाकी मैंने इस कार पे एम्बिएंट लाइट्स का काम करा रखा है, विच लुक्स लाइक कंपनी फिटमेंट। आप चाहो तो अपने दरवाजे पे भी देख सकते हो, बहुत छोटी सी है और बहुत सटल है, रात की बहुत ज्यादा काम आती है। मेरे चारों दरवाजों में मिलेंगी आपको ये। बाकी सेम यही कलर की मैंने फुटवेल लाइट्स भी लगाई है, आप देख लो। दीज ऑल्सो हैव बीन इंस्टॉल्ड ऑन ऑल फोर। तो एक चीज मैंने और लगा रखी गाड़ी में, ये रही वो लाइट। तो इसका जो बाहर का आप ये देख रहे हो, पूरा प्लास्टिक कवर है, ये स्टॉक गाड़ी का है, बट ये तो स्पॉटलाइट और अंदर की प्लेट है, दैट इज फ्रॉम अल्फा रोमियो। तो इंटीरियर में तो बस लाइट्स का इतना ही काम किया हुआ है, बहुत ज्यादा मैंने किया नहीं, मुझे पसंद नहीं। एक चीज और जो मैं आपको कहूंगा, अगर ये सारी चीज आपको अभी वीडियो में समझ में नहीं आ रही है, तो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, वहां पे आपको बहुत सारी इसकी ऑलरेडी वीडियोस मिल जाएंगी गाड़ी की, और मैं स्टोरीज डालता रहता हूं तो उसमें भी आपको चीजें विजिबल है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई नीडेड टू चेंज इन माय कार वाज दी सीट्स। जो अर्बन क्रॉस की ओरिजिनल सीट्स थी, दे वरंट दैट गुड। उसमें क्या था कि ये जो स्टीयरिंग व्हील था ना, बहुत ज्यादा इनटू चेस्ट रहता था। दीस सीट्स हैव बीन स्वैप्ड फ्रॉम 2011 लीनिया टीजेट, जिसमें इटालियन लेदर आता था, पर ये आप देख सकते हो। हाँ मेरे को पता थोड़ा रिपेयर वगैरह की जरूरत है इन चीजों को, बट दे वर्क ट्रिमेंडस। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि मेरे हाईवे रन होते हैं, वो है क्रूज कंट्रोल। दिस इज फ्रॉम लांचिया। और इसकी एक खास बात और दिखाता हूँ आपको, इसमें क्रूज कंट्रोल को हमने ऑन भी किया है, उसकी लाइट भी ऑन करी है, आप देख सकते हो ग्रीन कलर की लाइट, विच हैज बीन अनलॉक्ड फ्रॉम द कंप्यूटर। जैसे वैजेस में VCDS होता है, वैसे आशीष भाई के पास था, आशीष भाई ने ये भी हमें अनलॉक करके दिया है। तो देखो एक चीज और इंस्टॉल करी हुआ है, पेडल लाइट, इसको ना जब मैं अनलॉक करूंगा तो वो जलेंगी, ये देखो, और लॉक करने में बंद हो जाएंगी। जैसे ही कार की सारी लाइट्स ऑफ होती हैं, केबिन लाइट वगैरह, ये उसी से कनेक्ट करी है आशीष भाई ने। एक चीज़ और लगाई है इसी लाइट के साथ मैंने, देखो ये ऑन होती है, मतलब अनलॉक होती है तो यही ऑन होती है, जैसे ही दरवाज़ा खोलता हूँ तो कर्टिसी लाइट भी आती है। ये भी आशीष भाई ने ही मेरे को गिफ्ट किया है मेरी गाड़ी में। तो अगर आप लोग अभी भी कहूँगा फिएट के लिए कुछ भी कराना, दैट गाय नोज एवरीथिंग अबाउट फिएट, एवरी फकिंग थिंग। So as you can see, we are at the back part of a car. So we have highlighted this Aventura, which used to come in the silver color only. We have highlighted in the black, which now pops up, as you can see in the camera as well. It is readable from a distance also. And other than that, one thing which needs to be done is this dechroming of the Urban Cross and dechroming of the whole car. And after this, there's an SS sticker which has been installed. Some might slam me for this, but I love it. Then as you can see, the logo is really different. This is style from Brazil and Turkey.
Rest comment is all yours to tell me whether this looks good. And the same thing has been done on the front also. We'll take you there shortly. Till then, this is my channel. If you haven't subscribed, do subscribe me, because there are a lot of videos in pipeline which I can guarantee you no one has ever recorded in this whole country. So we have smogged these lights. The reason for smogging them was, first, aesthetic. Secondly, they usually break from this part. So I have to save it because it's very expensive. So coming down to this, this is eTuner sticker. This is tuneindia.uk. This is my page, which is on Instagram, as we are the tuner of eTuners in North India. So you can contact us for that also. And now you must be wondering why I haven't done any tunes on this car and why I don't have any power gains in this car. It is because I just wanted to hop into stage 2. So come here, I'll tell you one more thing. So the downpipe has reached my place on Diwali, and I didn't want it to go to stage 1 map at all. I wanted to do the stage 2 directly. So I have ordered the downpipe. Maybe or maybe not, I'll go with the full system exhaust or something like that. The reason for that is I have bought a new car which has very mischievous things hiding behind it. If you guys don't follow me on Instagram, I'm telling you again, pop onto my Instagram and you'll find everything there. Except one update, I have hidden it from everyone right now. It is not social. My third project, which is still undergoing, would be live soon, very soon. So that is the reason why I have decided to stop this car at stage 2. So this logo, as I showed you on the rear, is installed here on the front. And then my younger brother has installed a small cute T-Jet logo on the grill. And my car is wrapped with all four tires of MC5. And this handles way better than before. I'm telling you, these tires are phenomenal. Then the last thing which is left is my green tints. The green tints have been installed on my car, as you can see. It's a very light shade, so the cops don't jump on you. And you get sexy look as well as safer sight from the sunlight. Let's come to an end of this video by telling you this car has a graphene coat on it, which has been done by my Manoj bhai. He owns that detailing center in Haldwani, which is known as Home Car Detailing Center. And now, as you can see, this has been coated. Plus, it has 5 years of warranty, as far as I remember. I'm not really sure. It's been almost 1.5 years with this coating running on the car. There are few things which I have pre-ordered for my car. First thing is BMC pop-off filter. And the second thing which I'm gonna tell you, it's the fog lamp projectors, which will be installed on this car. They are also on the way. And these headlights. I can assure you, no Fiat or Evo guy has ever installed those headlights on their car, which I'll be doing it on my car. And afterwards, you can call this car the uniquest urban cross in the whole country. I bet you over this. So that's all from my side, from this car. Meet you in my next Fiat. Super soon. Fiat, the manuals.